आप सभी को जय मसीह के दोस्तों, थैंक्स यीशु चैनल के माध्यम से आपको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा यीशु मसीह की पांच बातें आप कभी जीवन में मत भूलना। इन पांच बातों को विशेष ध्यान देना। अगर जीवन में एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा मसीह बनना चाहते हैं परमेश्वर के राज्य में, और परमेश्वर से विनती और प्रार्थना और निवेदन हर पल, हर समय, हर घड़ी आप करते रहें, क्योंकि दिन जो समय है बहुत कम है हमारे पास। इसीलिए परमेश्वर के वचनों पे विशेष ध्यान दीजिए कि परमेश्वर के किन किन बातों पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। आज मैं बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक, हम आपको बताने और समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। पांच पॉइंट हम आपके सामने रखेंगे जिन्हें आपको देखना बहुत जरूरी है और जानना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें कि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। आज का हमारा जो पहला पॉइंट होगा, हम बात करेंगे परमेश्वर की खोज करना। परमेश्वर की खोज करना, उसके धर्म की खोज करना, उसके राज्य की खोज करना। इसीलिए परमेश्वर का वचन भी एक हम आपको देंगे और दिखाएंगे कहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और वचन नंबर 33 में, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब जो वस्तुएं संसार की हैं, जो तुम्हें जरूरत है, वो सब तुम्हें मिल जाएंगी। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, आप देख सकते हैं मत्ती पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं, यानी हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमको कहा है कि पहले तुम उसकी धर्म और राज्य की खोज करो। किसकी? परमेश्वर के धर्म और राज्य की हम खोज करें तो ये संसार में जो वस्तुएं हैं, जो हमें खाने के लिए, पहनने के लिए, और अनेक प्रकार की समस्याएं जो हमारे लाइफ में होती हैं और जो जरूरत होती है, वो हर एक वस्तु हमें मिलेगी जब परमेश्वर के हम धर्म और राज्य की खोज करेंगे। तो आपको पहली बात ये ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, परमेश्वर की खोज करना है, परमेश्वर के राज्य की और धर्म की खोज करना है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, हम बात करते हैं। दूसरा हमारा जो पॉइंट होगा, हम बात करेंगे सही उद्देश्य होना। सही उद्देश्य होने का मतलब क्या है? परमेश्वर क्या कहता है? आपका एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे, परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे और सही उद्देश्य से करेंगे। अगर आपने आज ठान लिया कि हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और समझना है, उसी बीच में आपके मन में और कुछ आ गया कि नहीं मुझे अब ये करना है, तो आपका उद्देश्य क्या हुआ? आपने तो उद्देश्य बनाया था कि हमें पढ़ना है, परमेश्वर के वचन को सीखना है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसीलिए आपका सही उद्देश्य होना चाहिए और सही अच्छा मार्ग होना चाहिए, सही दिशा होना चाहिए और सही डायरेक्शन होना चाहिए। आपकी जो दिशा है बहुत क्लियर होना चाहिए, एकदम साफ होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं, जैसे इसी पुस्तक में हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और वचन नंबर 1 से लेकर के हम 4 तक, यहाँ तक हम देखते हैं परमेश्वर ने हमें सही उद्देश्य देने के लिए क्या यहाँ पे कहा है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हम जैसे देखते हैं, लिखा है 1 में लिखा है, सावधान रहो तो मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं कि कुछ भी फल ना पाओगे। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, दूसरे वचन में कहते हैं परमेश्वर, इसलिए जब तू आगे, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, दान करे तो अपने आगे तुहरी ना बजवा जैसा कपटी सभाओं में, गलियाओं में करते हैं, ताकि लोग उनकी पढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना फल पा चुके हैं। परमेश्वर यहाँ पे क्या कहते हैं कि आपका अगर सही उद्देश्य नहीं होगा, आपका मन भटकेगा, तो परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है कि तुम अपनी बढ़ाई के लिए कार्य ना करो, परमेश्वर की और परमेश्वर की बढ़ाई के लिए कार्य करो, अपने कार्य को न बढ़ाने के लिए परमेश्वर के कार्य को अहमियत दीजिए। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि वो अपना फल पा चुके हैं जो ऐसा करते हैं। तो जैसे हम देखते हैं तीसरा वचन पढ़ते हैं, लिखा है, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ है करता है, जो तेरा दाहिना हाथ दान करता है उसे तेरा बायां जो हाथ है ना जानने पाए।
परमेश्वर का वचन यहाँ पे ये कहता है, तुम इतनी खामोशी से परमेश्वर की प्रार्थना आराधना स्तुति उसके वचन को करिए। चिल्ला करके कोई जरूरी नहीं है। परमेश्वर मन के बात को जानने वाला यहोवा परमेश्वर है। हर एक इच्छाओं को हर एक मन को जांचता है। वो आप स्पीकर लगा करके, साउंड लगा करके, माइक लगा करके उसको करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने मन में प्रार्थना करिए परमेश्वर से। जैसे हम पढ़ते हैं 4 में लिखा हुआ है, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और जब तक तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। परमेश्वर कहता है ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है तुझे वो प्रतिफल देगा, तुझे आशीष देगा। जैसे हम पढ़ते हैं, अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। हम तीसरा हमारा पॉइंट क्या है, दूसरों के अपराधों को माफ करना। दूसरों को माफ करना। परमेश्वर ने हमें यही सिखाया है कि अगर तुमसे कोई अगर अगले व्यक्ति से तुम्हारे प्रति कोई गलती हो जाती है तो अपनी जो उसकी गलती है उसको क्षमा कर दो। आपके अंदर ये होना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति से गलती होती है तो उसके अपराधों को क्षमा करने के लिए आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए। आपको उसे भला और बुरा नहीं कहना है, लेकिन अगर वो जानबूझ करके गलती करता है तो उसे परमेश्वर की नजर में उसके लिए प्रार्थना करिए और उसे माफ करिए। अगर वो बार बार आपसे वही बात को दोहराता है तो उसको आप उसको जवाब दे सकते हैं, लेकिन किसी से भूल चूक से गलती हो गई हो तो उसे आप क्षमा करें। परमेश्वर हमें यही सिखाता है। तो जैसे हम पढ़ते हैं इसमें लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और वचन नंबर 14 में लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। परमेश्वर हमारे अपराधों को तो क्षमा कर दिया है। हर एक संसार में जो व्यक्ति है हर एक अपराधों को क्षमा किया है परमेश्वर ने, क्रूस पर अपने आप को बलिदान चढ़ा करके, क्योंकि उसी के बलिदान के द्वारा हम सब मसीह भाई बहन और हर एक मनुष्य पापी इस संसार में हर एक व्यक्ति पापी है, तो उसके पापों के हमारे पापों के द्वारा परमेश्वर ने अपनी जान दी है, अपना लहू बहाया है कि हम सबको बचा करके अपने साथ ले जाए। इसीलिए हर एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना चाहिए। तो जैसे हम और पढ़ते हैं यहाँ पे वचन लिखा है 15 में, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध कभी ना क्षमा करेगा। तो इन बातों पर आप विशेष ध्यान दीजिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जैसे हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, लिखा है जो हमारा अगला पॉइंट होगा चौथा, चिंता न करना। परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है कि चिंता मत करना। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और वचन नंबर 21 में लिखा है, तो परमेश्वर ने हमें यहाँ पे कहा है, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि क्या हम खाएंगे या फिर क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि तुम इन सब चीजों के बारे में चिंता करके यह कभी मत कहना, अगर तुम एक मसीह हो तब, कि हम क्या पिएंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, हमारा आगे क्या होगा। परमेश्वर को छोड़िए, परमेश्वर आपको रचा है, परमेश्वर को आपको बनाया है, तो आपको खाने के लिए भी तो देगा। पिता आपकी हर एक वो चीजों को पूरा करेगा जो आप उससे प्रार्थना करके विनती करके बताएंगे। पिता तभी जान पाता है, एक संसारिक में संसार में जो पिता होते हैं वो तभी जान पाता है जब बेटे को जरूरत होती है और कहता है कि पिता हमें ये चाहिए तो उसका पिता देता है। इसी तरीके हमारा जो सर्वशक्तिमान है पिता, सबको रचने वाला, सबको बनाने वाला, तो वो क्यों नहीं हमारा पूरा करेगा, क्यों हमारे हमको नहीं देगा खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, हर एक चीजों के लिए जो हमें जरूरत है संसार में। तो इसीलिए परमेश्वर से चिंता करके कभी ये मत कहना कि पिता हमारा क्या होगा। जैसे हम पढ़ते हैं अगले वचन पढ़ते हैं और आइए हम देखते हैं पांचवा पॉइंट जो हमारा होगा, दोष मत लगाओ। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि दोष मत लगाओ किसी भी व्यक्ति के ऊपर, चाहे आपके आस का हो, पड़ोस का हो, रिलेशन का हो, दूर का हो, कहीं का भी रहने वाला हो, किसी के ऊपर दोष मत लगाना। जैसे हम वचन भी यहाँ पे पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 और वचन नंबर 1 में लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए,
परमेश्वर ने हमें यहाँ पे क्या सिखाया है, क्या कहा है और क्या हमें उद्देश्य दिया है, क्या हमें अपने वचनों के माध्यम से समझाने की कोशिश किया है कि परमेश्वर ने कहा है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। तो लोग कहते ना, जैसी करनी वैसी भरनी। इसीलिए आपको कभी भी किसी व्यक्ति के ऊपर झूठा आरोप, झूठी गवाही या किसी प्रकार का भी, मैं आपसे कहता हूं कि इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो एकदम परफेक्ट है, 100% वो सही है। कोई ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो इस संसार में हो और वो कह दे कि मैं 100% सही हूँ। नहीं, आप कभी भी भूल करके भी इन बातों पर विश्वास मत करना, क्योंकि संसार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पापी ना हो, जो अनेक प्रकार की समस्याओं से ना घिरा हो। इस संसार में रहने का मतलब है कि आप एकदम क्लियर तो नहीं रह सकते हैं, लेकिन आप उसे सुधारने की कोशिश करिए, सुधारिए तो आप सुधर सकते हैं। तो इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। तो जैसे हम और वचन पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है 2 में, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जैसे मैंने अभी कहा था कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा जो इंसान बोता है वैसा हो इंसान काटता है। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है कि जो तुम दूसरे की जिंदगी में जैसा करोगे वैसा आपकी जिंदगी में होगा। ये आप जान लीजिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो मैं छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ यही मैसेज देना चाहता था और इन वचनों के माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश किया हूं कि इन 5 बातों को आप विशेष ध्यान दीजिए। आप अपनी जिंदगी में जीवन भर इन बातों को कभी मत भूलना, और हो सके तो दूसरों को तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, और अपना सुझाव, अपना कमेंट, अपना विचार हमें जरूर दीजिएगा। जो भी आपके अंदर विचार थॉट्स चल रहे हैं, परमेश्वर आप सब मसीह भाई बहनों को बहुतायत से आशीष दे, और सुबह शाम प्रार्थना जरूर करें। जो प्रार्थना की वीडियो आती है आप प्रार्थना को करना कभी ना भूलें। परमेश्वर आप सब मसीह भाई बहनों को बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। थैंक यू।